लेवल फुल है, उस टाइम में बोटिंग नहीं कर सकते ना, बोटिंग बंद, बोटिंग बंद, बारिश बहुत ज्यादा है। फिश है, गोल्ड फिश, कतला। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। सुबह उठ गया जल्दी जल्दी, 6:30-7 बज रहे अभी, और पीछे के नज़ारे देखो, ओए ओए क्या व्यूज है, लवली व्यूज। रात को दिख नहीं जाता इस तरफ, काफी सारे सुपारी के पेड़ और नीचे शायद कार्डमम है, शायद मोस्ट लाइकली कार्डमम है, कार्डमम के पेड़ है, बैम्बू ट्री, बहुत ही सुंदर। सो रहा है तो अभी हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो कहीं भी घूमने आओ मॉर्निंग में उठ के आसपास एरिया में जरूर वॉक करके जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग, मैडम रेडी हो रही है, तो जाते हैं, फिर जाके एक फिल्टर कॉफी या चाय पियेंगे, और धूप खिली हुई है, हल्का हल्का ब्रीज चल रहा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर। चलिए चलते हैं, चलो रेडी। हम लोग ये 3 लिफ्ट लेके अल्टीमेटली बाहर निकल पाए, और यह गाड़ियों का देखो जमाव रहा, कितने टूरिस्ट आए हुए, ठंडा बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट प्लेजेंट है वेदर काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा वॉक करेंगे, छोटा स्ट्रीम को जा रहा है हवा में, और ये पूरा टी प्लांटेशंस। अमेजिंग भाई, वॉक करते करते काफी आगे आ गए, पर कुछ मिला नहीं, केवल टी प्लांटेशन ही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हाईवे तक आ गए हम लोग यहाँ पर, ये पूरा वाटरफॉल जैसा आर्टिफिशियल बना के रखा है इन्होंने, वही ऊपर आ गए। चलो अच्छा लगता है वो देखने में, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। हाँ वो तो नेचुरल लग रहा है, वो नेचुरल स्प्रिंग है, नहीं नहीं ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, वो और आर्टिफिशियल बनाया अंदर। फ्लावर्स अब देखो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आ जाओ फिर, और एक लिफ्ट, चला गया पकड़ो। तो ये हम लोग रिक्रिएशन रूम से बाहर रखे, यहाँ पर बालकनी में आए, तो यहाँ से हाँ दिखाएंगे वो भी, कितने मस्त नजारे है। वो दूर रोड दिख रहे, वो व्हीकल्स आ रहे, दूर दूर तक माउंटेन रेंजेस और टी प्लांटेशंस। लवली व्यू, व्हाट अ लवली व्यू। चलो थोड़ा सा और खेल लेते, आ जाओ। निकल गए हम लोग साइट सीन के लिए, तो अभी हां शुरू ना लाइट को लगा दे, इन वन के बाद रहने के लिए। अरे तनाश, हां ना लगा दे अंदर मत, अरे चुप हो जाओ। अभी हम लोग मट्टूपट्टी एरिया जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वही हमें अपने हिसाब से लेके जाएंगे, गुड साइट सीन सीनरी एरियाज लेके जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा माउंटेन रेंजेस एंड टी गार्डन दिख रहा है।
साइन बोर्ड देख पता रहा है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अब व्यू देखो बस, अर्चित देखो कितना ब्यूटीफुल टी गार्डन, बीच में माउंटेन देख रहे हो, बहुत ही सीनिक व्यू है, जबरदस्त। गॉड ज़ोन कंट्री है, भगवान ने सब कुछ दिया है, हिल्स दिया है, बीचेस दिया है, सो ब्यूटीफुल, हो लवली, मेस्मराइजिंग, क्या व्यू है भाई, और द मोस्ट सीनिक ड्राइव, लवली। मलयालम लैंग्वेज में पूरा तमिल है, तमिल है, छोटा सा ही है, बट सब कुछ आपको सब काम का सामान सब मिल जाएगा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली स्पाइसेस है जो खरीदना है, स्पाइसेस तो क्या है यार, इधर तो जो इधर का लोग लेता है क्योंकि बड़ा रहता है, हाँ, फिर इतना ओरिजिनल चीज तो नहीं मिल पाएगा, और आगे मैंने थेकड़ी में मिलेगा, हाँ नकली जिसमें मिलावट होता है सर, इसमें ना यहाँ इधर मार्केट है ना, मार्केट एरिया है, यहाँ पर ये फ्लावर गार्डन है, यहाँ देखते हैं, ये भी एक पॉपुलर साइट सीन में आता है, तो यहाँ चल के देखते हैं क्या फ्लावर है, आ जाओ देखो कितना सारे फ्लावर्स, वाह, ये पीस लिली फ्लावर्स भर गया बिल्कुल, पिंक, ये पता नहीं है क्या फ्लावर्स है, कोई लेबल नहीं है, बट कितना कलरफुल फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल, कितने सारे कलर्स ऑफ रोजेस आते हैं, वाओ लवली, देखो अर्चित रोज देखो कितने कलर्स के रोज है, ओ ये देखो ब्यूटीफुल, ये वाला तो देख लो, कौन सा वाला, हाँ ये वाला भी देख, ये वाला अलग है, ये मैंने देखा नहीं, पिंक वाला, पूरा गार्डन देखो कितना सुंदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अर्चित रुक जाओ, सो यहाँ पर डेफिनेटली आना है,
कितना सुंदर कटिंग किया है, वेरी नाइस। ये कुछ क्लाइंबर्स है जिसमें फ्लावर हो रखे है, ब्यूटीफुल। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पर यूकेलिप्टस ऑयल, पेपर, कार्डमम, ये सब सेल होता है। गुड, चलो हम आगे चले। जब भी, हाँ क्या है, अच्छा गाड़ी है पीछे, जब भी प्यास लगे यहाँ पर नारियल पानी पी लो, सबसे अच्छा तरीका रिफ्रेशमेंट। हाँ नहीं, तुम खा लो, तुम खा लो, अच्छा खा तो लो। कैसा है अर्चित, अच्छा है? चलो फिनिश करो जल्दी। ये रोज गार्डन देखा, बहुत अच्छा लगा, और इसको अपने आइटिनरी में जरूर रखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी देख के। हाँ 15-20 मिनट लगता है देखने में, और इट्स रियली वर्थ। अब हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है नेक्स्ट, हम लोग अब आप किस तरफ जा रहे हैं? माटीपट्टी की तरफ जा रहा है, माटीपट्टी की तरफ जा रहे हैं। कुछ जो भी साइट सीन है, सीनिक व्यूज है, वो देखते हुए जाएंगे। तो कहाँ भी निकलो वही नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखो नजारे आप देखते चले जाओ बस। टी गार्डन सब बीच में जो रास्ता निकलता है, इतना लवली है। बहुत लोग यहाँ पर उतर के फोटो खींचते हैं, और इतना सुंदर है कि सब जगह ही फोटो पॉइंट है, क्या सब पर हर जगह ही फोटो, पर यहाँ पर है बहुत ब्यूटीफुल। ये वाला एरिया देखो, यहाँ रुकते हैं 2 मिनट के लिए और कुछ फोटो सेशंस करते हैं। ये देखो टी स्टेट्स, ये इस तरफ से टी फैक्ट्री है। ये टी बाजार है क्या ये वाला? ओ उसके लिए सब मार्केटिंग है इधर सर, मार्केटिंग है। रिपल, रिपल का वो चाय बगान था वो वाला, अच्छा हाँ चल देंगे। ये आ गए हम लोग मधुपेटी डैम, बोटिंग वगैरह भी होता है आगे, एक बार जाके देखते हैं कैसे क्या होता है। ये है मधुपेटी डैम और जेट स्की पॉइंट, डैम वो उस तरफ है। ये राइड वगैरह होते हैं यहाँ पर, यहाँ बोट राइड करेंगे डैम में, 600 रुपीज फॉर 3 पर्सन एंड 1 गाइड विल बी आल्सो बी देयर। ओके, वेदर बहुत प्लेजेंट है ना, हवा चल रहा है, वाव ठंडा ही लग रहा है, लवली। और वो देखो ऐसे ही कुछ होगा, हम लोग का राइड भी गोल वाला ऐसे ही होगा। किसने बोला? चलो अंदर आओ, मैं फर्स्ट, अच्छा देन मी। अरे बाप रे, बैठ जाए, बैठ जाओ। माय गॉड, हैंड पकड़ो, बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, अच्छा हाथ पकड़ो, आराम से बैठ जाओ। आप चलेगा ना, क्या नाम, इधर आओ। अब गोल गोल मत घुमाना बस, हाँ नॉर्मल गोल चक्कर आता सर, चुप रहो। क्या नाम है आपका भैया? सुरेंद्र जी, हमें घुमाएंगे अभी, एक राउंड चक्कर टक्कर हो गया,
आए ठीक है हाँ। चलो कोई चक्कर नहीं सर में दर्द तुम नीचे बैठो मेरे को नीचे बैठो बैठ जाओ यहाँ पर सो तीन तरह के बोट्स है एक कैनो जैसा है एक पैडल बोट है और ये वाला बोट है बहुत मजा आ रहा है आप जब भी आओ यहाँ पर बोट राइड जरूर लेना बहुत ही लवली है लवली लवली साउथ से जा रहे इसलिए बहुत हाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे एक बार तो बहुत हल्के से उधर में जाकर इसको गोल चक्कर चाहिए इसको नहीं चाहिए देखो कितना सारे लोग हैं सब बोटिंग कर रहे हैं अरे चुप रहो सर घूम रहा है गोल गोल नहीं नहीं यार और नहीं नहीं बस नहीं बस बस हल्का कर दो चक्कर आएगा बस बस हो गया खुश चलो बैठो तुमने तो नहीं बैठा था चलो अरे ये हिल रहा है ये वाला बोट बाहुबली में था ये वाला क्या नाम बोला आपने कोराकल चलो वेरी नाइस लेवल फुल है उस टाइम में बोटिंग नहीं कर सकते ना बोटिंग बंद बोटिंग बंद बारिश बहुत ज्यादा है फिश है बोल्ड फिश कतला इंडिया में और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है हम लोग इतना सुंदर है हम लोग दिल्ली से आए हैं दिल्ली भी दिल्ली वहाँ से बहुत पॉल्यूशन है गंदा है ये कैरेट बेच रहे हैं हाँ वो अच्छा कैसे कर कैरेट कितना 20 रुपीस बंडल लोगे अच्छे कॉस्ट ऑफ कैरेट वाज 20 रुपीस ए बंच हमने लिया नहीं है मैगी खा लिया वर्किंग लंच हो गया पहाड़ों में और मैगी नहीं खाओ तो कस्टमरी मैगी होता ही है तो वो खा लिया क्या हो गया इतना हंसी क्यों आ रही है डैम है माटोपट्टी डैम है और जो वाटर जो कलेक्शन है पूरा रेन वाटर से है जून जुलाई अगस्त बोटिंग बंद रहती है भैया ने बताया क्योंकि बहुत ओवरफ्लो हो जाता है ओवरफ्लो हो जाता हाँ जेंटल ब्रीज है या एक मिनट के लिए रुक गए थे चला जो अंदर चलो डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर एलिफेंट क्रॉसिंग भी होता है यहाँ पर हम लोग अभी कुंडला डैम आ गए और आप देख लो सामने माउंटेन्स में कैसे क्लाउड्स बिल्कुल कवर कर दिया है कितना सुंदर है ये कुंडला डैम एरिया है आप देखो वेरी ब्यूटीफुल और डैम खुला हुआ है देखो आवाज आ रहा है वहां देखो डैम यहाँ नहीं
ये डैम है, डैम से वाटर नीचे जा रहा है, थोड़ा सा जाएंगे वहाँ तक, जाके वापस आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग आओ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर वेदर इज मच मोर कोल्डर, जैकेट में करना। यहाँ पर एक कैफे है, यहाँ पर अरे यार ब्लॉगिंग चुप रहो, हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। देखो कुछ है नहीं, सैंडविच भी खाएगा हाँ? बोलो अंकल को क्या खाना है। तीन तीन ब्रेड ऑमलेट और दो कॉफी और एक एक टी। आ गया, ये तुम्हारे लिए है। ये छोटा कैफ है, म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पर कैफे। कैसे बना है? ये आ गई है कॉफी एंड चाय। तुम्हारा कैंसिल कर दिया, तुमने मना किया। और ये ब्रेड ऑमलेट करो स्विंग। यस हाँ हाँ कुछ। ये अर्चित फिर से बच्चा की तरह कर रहा है, छोटा बच्चा। सो अपने यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका टॉप स्टेशन, जो कि इससे भी ज़्यादा हाइट पे है। बट वहाँ पर मोस्ट लाइकली वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी शाम 4 बज गए और पूरा मिस्ट इधर करके कवर हो रहा है, तो लेट हो जाएगा। यहाँ से 8-9 किलोमीटर से करीब आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा। एक बार हमारे ड्राइवर को भी पूछ लेंगे, फिर अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, अदरवाइज फिर विल गो बैक टू द होटल अगेन। हाँ क्लाउड देखो ऊपर धीरे धीरे करके, क्लाउड कवर कैसे आ गया देखते। वहां पर देखो क्या है, ये वेरी ब्यूटीफुल। देखो अर्चित चलो, पूरा लवली व्यू है, तो इसको मिस नहीं करना है, तो आपको इसमें जरूर आना है। हम लोग टी म्यूजियम है, शॉप में आए हाँ क्या। देखो देखो बहुत सारे टी एंड ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स है। ये ले ले यूकेलिप्टस, आइस टी, जिंजर टी और ये कुछ ऑयल्स लिया है। भीड़ देखो कितना हो रहा, भीड़ कितना देखो। ले लिया है, पता नहीं कितना यूज होगा। लास्ट टाइम भी दार्जिलिंग से लिया था, अभी भी पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा फ्रेश होकर चाय कॉफी पीने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक
क्योंकि यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है, मतलब अभी दूसरा दिन हो गया फिर भी अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन सा लिफ्ट है कौन सा नहीं है। नहीं यहाँ नहीं है, जस्ट शट अप, अच्छे नीचे है, नीचे नीचे वाले टेरेस में। हाँ टेरेस आ जाओ, फिर चढ़ना पड़ेगा। ये क्या है? हाँ बहुत जोरदार आवाज आ रही है, वाटरफॉल सा बना के रखा हो। चलो नहा लेते हैं यहाँ पर। हाँ अर्चित बनाया तो अच्छा है। आओ ऊपर आओ, क्या क्या है? ये थोड़ा सा एडवेंचरस बना दिया है, पर एडवेंचर के साथ टी शॉप में आपको पहुंचना है। ये आ गए टी शॉप में, अच्छा बना है ये। और एक जन को देखो इतना एक्साइट हो गया कूद रहा है। हेलो, अरे वाह, ये तो पुराने स्टाइल का टी शॉप है बिल्कुल, हम लोग का पुराना रेडियो जैसे था, टेप रिकॉर्डर, वाह लालटेन, वो देखो ये भी है। बैठ गए जी। ये लाइट जलता है क्या? ये लाइट जलेगा नहीं, क्या है ये? ऐसे है नेस्ट है, अच्छा ठीक है। मैंने ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दिया है, ये टी की तरह देखते में लगता है बट एक्चुअली कॉफी है। इट इज अ ब्लैक कॉफी, देयर इज नो मिल्क इन दिस, दिस लुक्स लाइक टी बट इट्स एक्चुअली कॉफी। यस एक्साइट हो गया अर्जुन, और इस जबरदस्त एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं जंगल में कहीं पर आ गए हैं, कॉर्बेट वगैरह में भी काला जोन में आ गए, काफी लोग भी आ गए, काफी एक दो तीन चार पाँच तुम्हारा कैसा? ठीक है, ये साथ में बनाना फ्राई भी दिया है भैया ने। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा मैगजीन, अच्छा वाओ, ये वैसे फील देखो भाई साहब, आपको लगेगा ही नहीं कि आप यू नो इस एरा में हो, एक एरा पीछे चले गए। वेरी नाइस लवली कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो यूज किया है ये वाला जो खाली पोर्शन था बहुत बढ़िया। चाय पी के हम लोग आप आगे चलते ऊपर, चलो आ जाओ। डेंस फॉरेस्ट में आ गए, ऐसे लग रहा है अमेज़न फॉरेस्ट में हम लोग आ गए। हाँ भय लग से डर लग रहा है, उसको बुलाओ पहले। आ जाओ आ जाओ, वो डायनासोर का वो है लग रहा है, स्केलेटन है। आ जाओ ये देखो क्या है, स्केलेटन है ना? नहीं है। तो वो क्या है?
वो क्या है? ये? हाँ हाँ जाके पहुंच जाओगे ऊपर। स्लीपर ही है, देख के आओ। अरे बाप रे, काफी एडवेंचर हो गया ऊपर, थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचर। ये हैंगिंग ब्रिज जैसा है। चलो 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 चल। अरे तो मूव कर रहा है, ये गिर तो नहीं आएगा? हाँ अरे बाप रे, तो थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया ये तो। माय गॉड, ओ बाप रे, तो अब कहाँ जाना है? ये केव आ गया लग रहा है। देखो इसमें पेंटिंग्स भी है, पेंटिंग्स भी है इसमें काफी। अरे ओह बड़ी अंधेरा है यार, पहुंच गए सीधे ये रेस्टोरेंट को खुलता है। ओह माय गॉड, आ जाओ यहाँ पर। थोड़ा सा हमने ऑर्डर दिया है एक स्नैक्स अर्चित के लिए, हनी चिली पोटैटो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब ऑर्डर दे दिया है, खा लो प्लीज। यहाँ बैठ के खाते, कहीं बैठो जहाँ मन करे वहाँ बैठो। यहाँ बैठो, थक गए? कैसा लगा? थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचर था ना? अच्छा था, अच्छा था। नहीं एक सेकंड, नहीं रियल लगने लगा था। हाँ पूरा रियल लग रहा था ना। हैंगिंग ब्रिज छोटा भय लग चलो, हैंगिंग ब्रिज हिल रहा मूव कर रहा था बिल्कुल। तो ये इनका रेस्टोरेंट का ओपन एरिया है और अंदर रेस्टोरेंट कल आपको मैंने दिखाया था। सो काफी स्पेशियस एंड लवली। यहाँ से टी गार्डन दिखते हैं और सनसेट हो गया है अभी।